स्वागत आप सभी का एक और नए व्लॉग में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे हो और एक अच्छा लाइफ स्टाइल चीज है। सो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले उठा था एंड आई होप ऐसा आपके साथ ना हो, बट मेरी जो स्कैल्प है पूरी ड्राई हो जाती है। तो पापा ने इनफैक्ट मम्मी ने भी रिकमेंड करा कि भाई तू अपने स्कैल्प में यू नो ऑयलिंग करना चालू कर दे। तो अभी थोड़ी देर पहले सो के उठा था। सो दोस्तों ये मैं कह सकता हूँ बहुत महीनों से मैंने कॉफी नहीं पी है। सो जब मैंने अपने किचन में थोड़ी छानबीन करी तो ये कुछ यू नो कॉफी के पाउचेस मिले थे। ये वही नेस्कैफे है राइट, जो 2 रुपए के पाउचेस या सैशे आते हैं। थोड़ा अलग सा तरीका है मेरा कॉफी बनाने का। सबसे पहले जो दूध है जो आप कॉफी यूज करते हो उसको पहले से ही गर्म कर लो। वो जो सैशे के अंदर कॉफी होती है वो इस मग में मैंने डाल दिया, आप देख सकते हैं। इस मग के अंदर मैंने वो सैशे डाल दिए हैं। तो इसमें मैं थोड़ा सा दूध डालूंगा, बिल्कुल हल्का सा, 1 चम्मच के बराबर दूध डालूंगा और उसको फेटूंगा। और इसमें मैंने ऑलरेडी 1/2 स्पून दूध ऐड कर दिया। तो अब इसको यू नो थोड़ा चलाएंगे, फेटेंगे कुछ 5 मिनट तक। अभी तुम जो देख सकते हो राइट, वो तुम स्मेल भी कर सकते हो, जो मैं स्मेल कर रहा हूँ अभी राइट। दिस अरोमा पूरा चॉकलेटी हो गया, कॉफी हो गया पूरा यहाँ पे, देख सकते हैं। और अगर मैं इसको यहाँ पे स्मेल करूँ, मजा आया। माय गॉड, इस खुशबू ने मेरे सारे ब्रेन सेल्स एक्टिव कर दिए। अभी फटाफट से इसको थोड़ा सा और फेटूंगा और दूध गर्म हो रहा है माइक्रोवेव में राइट, आवाज आ गई है राइट, सो दैट इट्स गोना बी स्ट्रॉन्ग कॉफी। ये जो गर्म गर्म दूध आप देख रहे हैं भाप निकल रही है राइट, इसमें पलट देंगे। नाउ मिक्सिंग इट वेल। सो ये बस दूध और कॉफी और कुछ नहीं है। चीनी तो आप सभी को पता है कि मैंने बहुत टाइम से एलिमिनेट करी हुई अपनी लाइफ से। सो यस, थोड़ा सा इसको पियेंगे एंड देखते हैं अब दिन में क्या करना है। बहुत टाइम बाद, मतलब बहुत टाइम बाद मैंने कॉफी पी है एंड इट इज एक्चुअली गिविंग मी यू नो सम स्ट्रॉन्ग वाइब्स, बहुत स्ट्रॉन्ग गाइस। और अब मेरे को लगता है कि अब मैं कुछ सोच सकता हूँ। इस मील को थोड़ा हैवी लेंगे क्योंकि अभी इस मील के 1 घंटे बाद मैं जाऊंगा जिम। ये है पूरे के पूरे एग वाइट्स, 8 अंडे हैं, 2 अंडों में योक है और ये थोड़ा राइस है। और इस डिश से मिल रहा है मुझे अप्रॉक्स यू नो 50 से 54 ग्राम ऑफ प्रोटीन, जो कि बहुत सही है। जिम जाने से पहले प्रोटीन भी मिल रहा है, कार्ब्स भी मिल रहे हैं, तो इसलिए मैंने इस पर्टिकुलर डाइट को चूज करा है। अब मैं मिलता हूँ आपसे जिम में। दोस्तों ये वाला डायलॉग मैं हमेशा आपको घर में बोला करता हूँ कि आज का वर्कआउट रहा बहुत ज़्यादा अच्छा। बाहर आप देख सकते हैं बॉइल्ड लेग्स है। ये बाहर मैं इसलिए खा रहा हूँ जस्ट फॉर अ चेंज, क्योंकि यहाँ पे यू नो थोड़ी अलग सी चटनी होती है, धनिया और पुदीना की चटनी है। और ये 5 अंडे है, बहुत अच्छे इंप्रूवमेंट्स आ रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। कहीं ना कहीं जो स्ट्रिक्ट डाइटिंग है वो परेशान तो कर रही है राइट, बट अगर आपको बॉडी में ऐसे चेंजेस मिल रहे हैं तो डाइटिंग करना और डेफिसिट में रहना इज़ एक्चुअली यू नो वन ऑफ द मोस्ट वर्दी थिंग। सो यस, अभी 5 अंडे खाएंगे, इससे मिलेगा मेरे को कहीं ना कहीं 35 ग्राम प्रोटीन, अगेन 35 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। इनको फटाफट से खाऊंगा और निकलूंगा घर क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। सो दोस्तों ये कुछ 150 ग्राम ओट्स मैंने तैयार करे हैं। जैसे कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ बट अगेन बोल देता हूँ, ओट्स एक डेंस मील है। अगर आप इसको एक बार खाते हो 2-3 घंटे तक भूख नहीं लगती। ओट्स को खाने का सबसे अच्छा बेनिफिट ये कि इससे हमें फाइबर मिलते हैं, प्लस अगर आप लिमिटेड कैलोरीज ले रहे हैं और कैलोरी डेफिसिट में पूरे दिन में अपने मील्स को थोड़ा कम करना चाहते हैं तो आप ओट की डाइट ले सकते हैं। इससे आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। सबसे पहली बात, आपको ज्यादा भूख नहीं लगती है, आप ज्यादा कैलोरीज नहीं लोगे। ज्यादा कैलोरीज नहीं लोगे तो आपका वेट नहीं बढ़ेगा, फैट नहीं बढ़ेगा और आप अट्रैक्टिव दिखोगे। जो लोग जिम भी नहीं जाते या ज्यादा वर्कआउट नहीं करते उनके लिए भी सबसे बेस्ट ब्रेकफास्ट है या लंच का ऑप्शन है। सो मैं अभी इसको खाऊंगा। ऑलराइट गाइस, रात के ऑलमोस्ट 12 बज रहे हैं और सब सो रहे हैं। सो मैंने अभी ये चिकन ब्रेस्ट बनाया है। ये अगेन चिकन ब्रेस्ट है, 300 ग्राम्स ऑफ चिकन, जिससे मिल रहा है मुझे 90 ग्राम प्रोटीन। चौकी काकू मेरे ब्लॉग्स को देखता है तो उसने मेरे को बोला
उस रेसिपी के बारे में, राइट, जो मैं चिकन ब्रेस्ट की बनाता हूँ. इट्स गुड, समटाइम इट्स गुड, लाइक थ्राइस इन अ वीक, ट्वाइस इन अ वीक इट्स गुड. जैसे कि आप सभी को पता है मैं कटिंग में और कैलोरी डेफिसिट में हूँ, राइट. सो उसमें यू नो थोड़ा सा तेल का भी फर्क, कभी कभार बटर या घी का भी फर्क पड़ जाता है. क्योंकि अगर मैं एक चम्मच, यानी कि एक चम्मच घी की भी बात करता हूँ, तो एक चम्मच घी में होती है पूरी 100 कैलोरीज, राइट. सो इट रियली मैटर्स. चिकन है, वो चिकन रेसिपी है, वो कभी कभी ट्राई करेंगे, हमेशा ट्राई नहीं करेंगे. अभी ये प्योर बॉयल्ड चिकन है, बट ये फुल ऑफ प्रोटीन है. प्योर प्रोटीन है, एनिमल फैट है. बॉयल्ड होने के बाद जो एनिमल फैट बचा था उसको मैं ऑलरेडी सेपरेट कर चुका हूँ, राइट. इट्स सॉर्ट ऑफ अ वेस्ट, प्योर फॉर्म ऑफ प्रोटीन एज पर अर्नव, बिकॉज इट्स अ फैक्ट कि एनिमल फैट खत्म होते ही ये जो चीज़ है ये सिर्फ प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाती है. तो कहीं ना कहीं मेरे को उससे मिला 5735 grams ऑफ प्रोटीन, एंड इट्स अगेन 90 grams ऑफ प्रोटीन. सो 90 + 30 इज इक्वलेंट टू 120 grams ऑफ प्रोटीन. सो कहीं ना कहीं 130 ग्राम प्रोटीन, यानी कि 130 grams ऑफ प्रोटीन मैंने पोस्ट वर्कआउट मील में ही कंज्यूम कर लिया. सो विच इज़ गुड, कंज्यूम कर नहीं लिया, अभी इसको कंज्यूम करूँगा. इन्जॉय तो आपने टू बी वेरी ऑनेस्ट बिल्कुल नहीं करा होगा, क्योंकि यू नो व्लॉग सेम हो रहे हैं, हर चीज़ सेम हो रही है. बट एज आई सेट, मैं हर व्लॉग में ये चीज़ बोलता हूँ कि दिस इज़ एक्चुअली अ पार्ट ऑफ अ प्रोसेस. प्रोसेस चल रहा है, प्रोसेस चलता रहेगा, बहुत टाइम तक नहीं चलता रहेगा. जब मेरे को थोड़े अच्छे रिजल्ट्स दिखने चालू हो जाएंगे, तब मैं थोड़ी बल्किंग में आऊँगा, जिसमें मैं थोड़ा कैलोरी सरप्लस में रहूँ, कहीं ना कहीं अपनी बॉडी के साथ कुछ अलग डेमोन्स्ट्रेशन करूँ, एक्सपेरिमेंट्स करूँ, सो आई कैन लुक बैक. अभी डेफिसिट में रहने का एक ही मकसद है कि थोड़ी सी कटिंग आ जाए. ऑलराइट, सो मैं आपको और ज़्यादा पका लेने वाला, मैं इस चिकन ब्रेस्ट को खत्म करूँगा. उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला व्लॉग भी पसंद आए. अगर आपको ये वाला व्लॉग पसंद आए, प्लीज़ गो एंड लाइक दिस कंटेंट, सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो, और मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में. तब तक ले, गुड नाइट गाइज़.